वहीं मध्य प्रदेश से गुजर रही मानसूनी ट्रफ ऊपर निकल गई है। वहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर भी कम हुआ है। आपको बता दें कि इस वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर भी थम गया है। गुरुवार को प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 12 जिलों में बारिश हुई है। बता दें जबकि पश्चिमी हिस्से में सिर्फ 2 जिले जिसमें बैतूल गुना में हल्की बारिश हुई। ऐसा ही मौसम शुक्रवार को भी बना रहेगा। वहीं नमी और लोकल सिस्टम की वजह से शुक्रवार को शिवपुरी, अशोकनगर, पन्ना, सतना, रीवा, सागर, बैतूल में तेज बारिश हो सकती है। वहीं IMD भोपाल के वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि ट्रफ प्रदेश से गुजर रहा था जो अब काफी ऊपर निकल गया है। वहीं वर्तमान में स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है और इस कारण पूर्वी हिस्से में थोड़ी तेज बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी हिस्से में असर कम रहेगा। कुछ दिन के बाद सिस्टम की फिर से स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। वहीं सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्र ने बताया कि अभी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, आने वाले दिनों में भारी बारिश होगी।